Hello friends, very good morning to all. Today I am going to teach you subject GK of standard 8. So let's start. Okay, so I will start your unit number 1. Okay, so यहाँ पे आपको दिया है लोन टेनिस. ओके, इसमें ये चैप्टर में आपको टेनिस के लोन के बारे में दिया है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टेनिस का लोन कैसा होता है, ग्राउंड कैसा होता है एंड एटसेट्रा. ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक पजल दी हुई है, ये आपको सॉल्व करनी है. ठीक है, ये जो पजल है इसके आंसर्स आपको ये पैराग्राफ में से मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज बी है, एक्सरसाइज बी में आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसमें आपको टेनिस की जो भी मैचेस खेली गई है, विंबलडन मैचेस, ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड एनी अदर जो भी आपको मैचेस के नॉलेज में आपके है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक है, सो ये आपको सॉल्व करने हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है उसमें आपको मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अगेन स्पोर्ट्स रिगार्डिंग आपको लेसन दिया हुआ है और टेनिस ही है इसका टॉपिक, मतलब कि टेनिस के बारे में ही फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है. ओके, मतलब कि टेनिस कैसे खेला जाता है, उसका रैकेट कैसा होता है, उसमें टेनिस बॉल यूज होता है, उसका ग्राउंड पिच कैसा होता है, टेनिस की नेट एंड ऑल. ओके, सो कौन से ईयर में कौन से प्लेयर ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है उसके बारे में आपको दिया गया है. ओके, सो ये आपका टेनिस का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है. उसके बाद आपका आता है रोमन न्यूमरियल्स. रोमन न्यूमरियल्स आपको पता ही है, आप मैथ्स में पढ़ते हो रोमन नंबर के बारे में. तो यहाँ पे देखो मीन आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 10 तक अपने जो रोमन नंबर है वो कॉमन होते हैं. उसके बाद आता है 50, मतलब कि 10 to 50 तक तो जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, जैसे कि 11 है तो x प्लस 1, 12 है तो x प्लस डबल 1, इस तरह से. फिर डायरेक्ट आता है 50. ठीक है, तो 50 में क्या होता है कि l हम लिखते हैं 50 में, और फिर जब 51 की सीरीज स्टार्ट होती है तो l प्लस 1, l प्लस 2, l प्लस 3, l प्लस 4. उसके बाद जब 60 आता है तो 50l प्लस 10 प्लस, ओके 60 में ओनली 50 प्लस 10 आएगा तो एल एक्स, इस तरह से सीरीज बनती जाती है. फिर आगे जब जब बढ़ते हैं तब क्या आता है, 100 आता है. 100 में कौन सा लेटर आता है, सी. नेक्स्ट 500, 500 में कौन सा आएगा, डी. एंड 1000 इज एम. ओके, सो ये आपका रोमन नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट था. और आपको यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, यू कैन सी दैट, कि अगर बीच में से आपको कोई नंबर पूछते हैं, जैसे यहाँ पे देखो है 1800 है, तो देखो 1800 है तो 1000 मतलब M, 100 में कौन सी सीरीज आएगी, D आएगी, तो D मतलब 500 एंड रिमेनिंग 300 तो 3 टाइम C. ओके, इस तरह से आपके सारे डिजिट्स रोमन नंबर के बनते हैं. ओके, उसके बाद आपको म्यूजियम एंड गैलरीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में नॉलेज दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड फेमस कौन से म्यूजियम्स है, कौन सी कंट्री में है, कौन से स्टेट में है, कौन सा स्टेडियम फेमस है. सो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग नेम्स भी दिए हुए हैं, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, ठीक है, देन रिचकिस म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये सारी म्यूजियम है जो वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है. ठीक है, नाउ उसके ही रिगार्डिंग आपको एक एक्सरसाइज दी है मैच द पैर की, कि कौन से कौन से सिटी में या कौन से स्टेट में कौन सा फेमस म्यूजियम है. ओके, देन दिस इज योर फेवरेट लेसन, चेकमेट. चेकमेट अकॉर्डिंग टू चेस, है ना, चेस तो आप खेलते ही हो, फोन में खेलते हो, या आपके पास वो भी होगा, हार्ड कॉपी भी होगा इसका, चेस का मतलब बोर्ड जैसा आप खेलते हो. अब देखो यहाँ पे चेस में कौन से टूल्स आते हैं, एक तो
चेस बोर्ड आता है। अब चेस बोर्ड में हम ऐसे ऐसे टूल से खेलते हैं, तो उसका नेम हमको याद रहना जरूरी है। तो फर्स्ट क्या होता है, किंग, देन क्वीन, देन थर्ड इज बिशप, थर्ड इज नाइट, फोर्थ इज नाइट, फिफ्थ इज रॉक एंड सिक्स्थ इज पॉन। ओके, अब यहाँ पे देखो सेकंड पेज पे आपको क्या दिया है कि टोटल कितने टूल्स होते हैं। तो देखो वन किंग होता है, वन क्वीन होती है, टू बिशप होते हैं, टू हॉर्स होते हैं, टू एलिफेंट्स, एट पॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड उस अगेन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके, नाउ ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल आर्ट इंडिया। ट्रेडिशनल आर्ट में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अलग अलग क्लोथ के बारे में, अलग अलग टेक्सटाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब टेक्सटाइल का आपको नॉलेज थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये बंजारा आर्ट है। बंजारा आर्ट कहाँ पे होता है, जनरली ये आर्ट एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड मिरर वर्क होता है। जो छोटे छोटे मिरर होते हैं उसको क्लोथ पे जो एम्ब्रॉयडरी करके उसको स्टिच करते हैं, उसको बोलते हैं बंजारा आर्ट। चिकनकरी, चिकनकरी में क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पतला सा कपड़ा होता है, उसमें ये लोग हाथ से अपनी मनचाही डिजाइन अंदर भरते हैं, धागे से ये डिजाइन करते हैं, ठीक है। कलमकारी, देखो ये कलमकारी क्या चीज होती है, कलमकारी में ही इसका टाइप आ जाता है कि वो अपने हाथों से जो बोलते हैं ना कि पेन से ये डिजाइन करते हैं। पेन मतलब वो पेन नहीं जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं, बट इनकी एक इंक पेन, मतलब कि टेक्सटाइल की जो इंक होती है उसकी एक अलग से कलम आती है, उससे ये लोग अपने हाथ से ये सारी डिजाइंस क्लोथ पे बनाते हैं। देन आफ्टर इसको आयरन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रिंट है वो धोते टाइम निकले नहीं। उसके बाद है मधुबनी। मधुबनी में देखो क्या क्या है, यहाँ पे आपको मधुबनी जो टाइप है कपड़े का, ये एक बिहार का स्टाइल है, ठीक है। मधुबनी में आपको जनरली क्या मिलेगा, ऐसे फ्लावर्स फ्लावर्स वाले डिजाइन ज्यादा मिलेंगे। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी फ्लावर्स फ्लावर्स बहुत सारे हैं। बाकी सारे कपड़ों में देखो यहाँ पे आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मधुबनी है उसमें आपके ज्यादातर फ्लावर्स के डिजाइन देखने को मिलेगी। फुलकारी, फुलकारी जो है जनरली फुलकारी के दुपट्टे आते हैं, ठीक है। फुलकारी दुपट्टा आता है, और ये फुलकारी जो टाइप है वो पंजाब का टाइप है, मतलब कि ये पंजाबी क्लोथ है, ये जनरली आपको पंजाब में मिलेगा। एंड इसका जो मतलब इसके अंदर जो प्रिंट होती है वो भी एज वेल एज ये हैंडमेड प्रिंट होती है, धागे से ये लोग बुनते हैं, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, फुलकारी को गार्डन ऑफ फ्लावर्स ऑन क्लोथ, ठीक है। मतलब कि अगर आप ये फुलकारी दुपट्टा देखोगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि गार्डन के फ्लावर्स लेके यहाँ पे चिपकाए हैं, क्योंकि ये दुपट्टा इतना कलरफुल आता है और इसके जो प्रिंट होती है बहुत ही हैवी प्रिंट होती है। देन वर्ली पेंटिंग, देखो यहाँ पे वर्ली पेंटिंग में क्या होता है कि इनके पास एक अलग से बुट्टे होते हैं कि जिसमें ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, एंड उसको जो इंक में स्पंज करके इसमें स्टिक करते हैं। और देखो यहाँ पे आपको वर्ली पेंटिंग में जनरली ऑलमोस्ट आपको सारी डिजाइंस ट्रायंगल शेप में मिलेगी। देखो ये सारी जो गुड़िया बनाई हुई है वो सारी ट्रायंगल शेप्स की है, तो ये वर्ली पेंटिंग बेस्ड ऑन ट्रायंगल शेप पेंटिंग। लास्ट वन इज कंठा। कंठा में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो पूरे क्लोथ होता है उसमें पिकॉक की डिजाइंस बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीक्यू। एप्लीक्यू में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एक प्रॉपर कोई एक कपड़े में से नहीं बनता है, अलग अलग क्लोथ को मिला के ये बनाया जाता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, सारे कपड़े यूज नहीं होते हैं, कुछ ऐसे धागे, कुछ छोटे छोटे पीसेस, क्लोथ के पीसेस रह जाते हैं, उसमें से ये लोग एक अलग कपड़े पर पेंटिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक एप्लीक्यू। पटोला, पटोला इज द वर्ल्ड फेमस क्लोथ, ठीक है।
आप एसएस में भी पढ़ चुके हो पाटण के पटोले, है ना। तो पटोला क्या होता है, पाटण में ये अपने हाथों से जो उसके वर्कर्स होते हैं अपने हाथों से पटोला बनाते हैं एंड बेचते हैं। पटोला की जो बेनिफिट है वो ये है कि पटोला हम दोनों साइड से पहन सकते हैं। जनरली साड़ीज कैसी होती है कि एक साइड पल्लू होता है और एक साइड नीचे का जो बॉर्डर होता है वो होता है, लेकिन पटोला क्या होता है कि आप दोनों साइड से उसको पहन सकते हो, है ना। अब देखो ये बिदरी, बिदरी क्या है, बिदरी जो है वो कोई क्लोथ नहीं है, बट ये इसको जो बोलते हैं ना कि बर्तन पे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, आई मीन बर्तन पे जो ऐसी चेक्स चेक्स वाली डिजाइन करते हैं उसको बोलते हैं बिदरी। एंड लास्ट वन इज जरदोशी। जरदोशी की जो प्रिंट है उसकी साड़ियाँ बहुत पहले मिलती थी, अभी भी मिलती है, लेकिन अभी ये बहुत ही कॉस्टली होती है। जरदोशी में क्या होता है, हैंडमेड वर्क होता है और इसके जो धागे होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं। देखो यहाँ पे वायर एंड मेटालिक स्प्रिंग थ्रेड्स, ठीक है, इसके बहुत ही थिक थ्रेड्स होते हैं। सो ये आपकी क्लोथ टेक्सटाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। रिफॉर्मर्स इन इंडिया, ये तो आप ऑलरेडी एसएस में पढ़ते ही हो, जम्मू कश्मीर के बारे में दिया है। रिफॉर्मर्स अकॉर्डिंग जूनागढ़, जूनागढ़ में भी जो हुआ था उसके बारे में आपको सारे 370 आर्टिकल्स, 335A आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है। नाउ मैजिकल वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर, आई थिंक दिस इज योर फेवरेट बेस्ट वेब सीरीज। ओके, हैरी पॉटर की वेब सीरीज सबको पसंद आती है एंड सबकी फेवरेट होती है। ज़्यादातर चाइल्डहुड में, मतलब बच्चे ये सब ज़्यादा देखते हैं। तो आपको हैरी पॉटर के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि जेके रोलिंग्स फर्स्ट नॉवेल वॉज, उसकी फर्स्ट नॉवेल कौन सी थी, हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन। द बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इंटू 67 लैंग्वेजेस। बुक है जो इसे इन्होंने लिखी है वो 67 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। एंड द सीरीज ऑफ बुक मेड इंटू फैंटेसी, द नेम ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस इज ब्लॉसनबरी लंडन। ठीक है, तो ये आपको उसके ही अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स है। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, इसमें से ही ट्रू फॉल्स है, देखो आप। ओके, अब यहाँ पे आपको पब्लिकेशंस के बारे में दिया हुआ है। हैरी पॉटर की अलग अलग पब्लिकेशंस निकली थी, उसके डेट्स दिए हुए हैं। तो हैरी पॉटर एंड कौन सा पब्लिकेशन था, 30 जून को हैरी पॉटर एंड कौन सा पब्लिकेशन था 2 जुलाई को, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो आई होप दिस इज योर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, वर्ल्ड क्लासिफिकेशन, ये तो आप नर्सरी से पढ़ते आए हो कि इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो भी आपको अलग डिफरेंट लगता है उसको आपको टिक आउट करना है। सो दिस इज योर चाइल्ड प्ले। ओके, वर्ल्ड एनालॉजी, सो व्हाट इज अबाउट वर्ल्ड एनालॉजी, यहाँ पे आपको वर्ल्ड के बारे में दिया, सॉरी वर्ड के बारे में दिया है, वर्ड एनालॉजी के बारे में। इसमें जनरली आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक्स आएंगे, साइंस के टॉपिक्स आएंगे, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स आएंगे, एंड इट इज टू मच इजी। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे एज आर्क इज रिलेटेड टू। अब मैथमेटिक्स का टॉपिक है कि आप कोई भी शेप बनाते हो उसके कोई भी पार्ट में अगर आर्क आता है तो वो कौन सा शेप बनता है, तो सर्कल, है ना। तो इसी तरह से आपको इसमें इजी इजी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे फ्लावर इज रिलेटेड टू एसेंस इन द सेम वे एज ओवन इज रिलेट टू हीट। जैसे कि फ्लावर होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, एसेंस से रिलेट करते हैं। उसी तरह से ओवन जो होता है, ओवन हम यूज करते हैं किचन में, वो किससे रिलेट करता है, तो हीट से रिलेट करता है ना। तो ये आपके जनरल नॉलेज के टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ओके, देन आफ्टर श्रीनगर क्रोइंग ग्लोरी, यहाँ पे आपको देखो श्रीनगर के जो इम्पोर्टेंट जो स्पेस है, मतलब कि वहाँ पे जो प्लेसेस है इसके बारे में दिया हुआ है। मिरर ऑन द लेक,
डाल लेक, डाल लेक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डाल लेक को क्या बोलते हैं? मिरर ऑन द लेक। डाल लेक का पानी इतना साफ है कि आपको अपनी मिरर इमेज उसमें दिखेगी, इसलिए उसको बोलते हैं मिरर ऑन द लेक। फ्लोटिंग पैलेस, देखो पानी में एक बड़ा सा बोट जैसा बना है, पैलेस जैसा बनाया हुआ है, इसको बोलता है फ्लोटिंग पैलेस। कश्मीरी चाय, कश्मीरी चाय को बोलते हैं कहवा। कश्मीरी चाय इज द वर्ल्ड फेमस चाय, ओके। और कश्मीरी चाय जो है उसमें मेन कंटेंट कौन सा है? सैफरिन, ओके। तो सैफरिन की ये चाय होती है जो वर्ल्ड फेमस चाय है। जो चाय के बहुत ही शौकीन है वो एक बार कश्मीरी चाय टेस्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन इज ड्रीम इन मार्बल दरगाह हजरत बल। देखो ये मस्जिद आपको दी हुई है, दरगाह हजरत बल की मस्जिद है। इसमें क्या दिया है? ड्रीम इन मार्बल। इसमें जो मार्बल यूज किए हैं वो बहुत ही कॉस्टली एंड अट्रैक्टिव मार्बल्स है। ये देखो देसी रेड स्क्वायर लाल चौक, कश्मीर में है लाल चौक, इसकी भी विजिट करना नेसेसरी है, ये भी एक विजिटिंग प्लेस है। ट्यूलिपो कॉपियो, ट्यूलिपो कॉपियो मतलब है उसका एक ट्यूलिप गार्डन दिया है। जनरली आप मूवीज में देखते हो, मतलब 90s के मूवीज में आपने देखा होगा कि जो भी शूटिंग होता है वो उसके मतलब उसके सराउंडिंग ऐसे ट्यूलिप के फूल्स लगे हुए होते हैं। तो जनरली शूटिंग कहाँ पे होते थे? पहले कश्मीर में होते थे, ठीक है। तो कश्मीर में ये जो ट्यूलिप गार्डन है वहाँ के शूटिंग ज़्यादा होते थे और इसका नाम है ट्यूलिपो कॉपियो, ठीक है। ट्यूलिप गार्डन जो वर्ल्ड फेमस गार्डन है। गार्डन परफेक्ट शालीमार बाग, ये तो आपने देखा ही होगा, आई मीन टू से आपने यूट्यूब पे या किसी भी पिक्चर में देखा होगा शालीमार बाग, है ना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत ही बड़ा गार्डन है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं। एप्पल टाउन सोपोर, एप्पल टाउन, कश्मीर तो फेमस ही है एप्पल के लिए, सो एप्पल टाउन। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, आपका ऐसे इसका अनदर टॉपिक आया है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। यहाँ पे आपको अलग अलग राइट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो कौन से राइट है? देखो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14-18, हमें इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का राइट है, फ्रीडम भी हमको मिली हुई है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट में हमको राइट मिला हुआ है। एक्सप्लोइटेशन मतलब कि जो मजदूरी करवाते हैं ना बच्चों के साथ, वो एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट में भी राइट बना हुआ है। और कौन सा रहा है? राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, हमको हमारे धर्म का जो प्रचार करना है, ठीक है, उसको स्प्रेड करना है, उसका भी राइट हमको मिला हुआ है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो हम पढ़ रहे हैं कल्चर का राइट है हमें, एजुकेशन का भी राइट हमको मिला हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी हमको राइट्स मिले हुए हैं। सो ये आपका एसएस का पूरा टॉपिक है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉरी आपको एक्सरसाइज नहीं दी हुई है। और ये तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में आप तो जानते ही हो, ओके। सो हियर आई एम स्टॉप एंड नेक्स्ट टाइम हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।